बिहार विधानसभा के पांचवें सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी वो अब दिन ब दिन सियासी गलियारों में गर्माती जा रही है। आपको बता दें कि अब इस विवाद पर रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर बिहार में सियासत और भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि एनडीए को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का हृदय परिवर्तन होता है तो ये एनडीए और बिहार के लिए बेहतर संकेत है। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को नेता प्रतिपक्ष बनाया था, एनडीए ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया था, एनडीए ने उन्हें जितना सम्मान दिया महागठबंधन ने उन्हें अपमानित किया है। वहीं रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ जाने पर कहा कि राजनीति में कोई चीज असंभव नहीं है। आज 40 से 45 में जेडीयू सिमट गया है। नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत काफी कम हुई है। उनको तलाश है कि नहीं मेरी, इस बात का जवाब वही देंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के सदन में दिए हुए बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह के जब भी बयान नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव देंगे तो मैं नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहूंगा। वहीं अब ऐसे में देखा जा सकता है कि अचानक से रालोसपा अध्यक्ष का नीतीश कुमार के लिए हृदय परिवर्तन होना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में एंट्री का प्लान तो नहीं।